सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारे गेमर और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मेरे पास है GSH Mix Pro वन हैंड नॉन मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस RGB लाइट के साथ और वायर्ड वाले के साथ। इसके साथ एक कनेक्टर आएगा और इस कनेक्टर से हम फोन को कनेक्ट करके इसमें खेलने वाले हैं फ्री फायर, और हम करने वाले हैं इसमें फर्स्ट टाइम गेमिंग टेस्ट। और ऐसा नहीं है कि इसमें फ्री फायर ही खेल सकते हैं, इसमें पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और जितने भी गेम हैं पूरी दुनिया भर के गेम इसमें हम खेल सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। सो यहाँ देख सकते हो ये बॉक्स है, यहाँ पर पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और ये फोर्टनाइट है। इसका यहाँ पर लोगो दिया है, यहाँ पर टिक मार्क है। इसमें फॉर एंड्रॉयड एंड iOS वायरलेस कनेक्शन और वायर्ड कनेक्शन। सो iOS के लिए वायरलेस कनेक्शन है और जो एंड्रॉयड है उसके लिए वायर्ड वाला कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरे पास, और पीछे भी काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है। 4-in-1 मोबाइल गेम कॉम्बो पैक, मतलब कि इसमें चार आइटम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक स्टैंड है और ये कनेक्टर है और कीबोर्ड है, माउस है। यहाँ पर जो कनेक्टर है उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है सब यहाँ पर है, जैसे पावर सप्लाई टाइप सी है, इनपुट है DC 5V, ठीक है। आउटपुट है 3.USB, इसका जो वेट है वो है 20 ग्राम का। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर देख सकते हो, और जो कीबोर्ड है RGB लाइट वाला कीबोर्ड है, और कुल मिला के इसमें 35 कीज देखने के लिए मिलेगी। जो करंट है 80mAh की इसमें बैटरी लगी हुई है। गेमिंग माउस है, ठीक है, गेमिंग माउस है, उसमें 6 की देखने के लिए मिलेगा। अब कहाँ कहाँ की है मुझे तो सिर्फ 3 ही नज़र आती है नॉर्मल माउस में, बट ये एक गेमिंग माउस है, इसमें कितना की देखने के लिए मिलता है वो देखते हैं। इसका जो लाइट इफेक्ट RGB लाइट है, कीबोर्ड में भी है और माउस में भी है। अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं। हालांकि मैंने सभी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर डब्बे के बाहर से ही आपको बता दिया है, तो बॉक्स को ओपन करते हैं सिंपल सा। सो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है यहाँ पर मिक्स प्रो, और ये माउस है और इसके अंदर निकलेगा कीबोर्ड, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। ये बॉक्स को हम साइड में रखते हैं। इसके अंदर आपको ये है कनेक्टर, वो ठीक है, ये कनेक्टर है, इसमें एक बटन है और काफ़ी सारे पोर्ट हैं। इसमें इधर 2 USB पोर्ट है, यहाँ पर एक USB पोर्ट है और एक टाइप सी USB पोर्ट है, और ये स्टैंड है प्लास्टिक का ही है, पर फ़ोन रखने के लिए बहुत ही अच्छा है ये स्टैंड। जो गाइड है इससे पूरा, ये जो कीबोर्ड और माउस को कैसे कनेक्ट करना है फ़ोन से, पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिए गए है इसमें लिखा हुआ। और ये QR कोड से ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, जिस ऐप से आप गेमिंग करोगे ये जो QR कोड है उससे, ठीक है। इस पाउच के अंदर हमारा माउस है, कितना लग्जरी माउस दिख रहा है। राइट और लेफ्ट में सिल्वर कोटिंग दी गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा गोल है, सर्कल है, और यहाँ लाइट शायद जलेगा। अब कहाँ कहाँ से लाइट जलता है वो हमें नहीं पता, वो तो स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो USB 2 टाइप सी केबल है, हाँ ये फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए ही होगा, तो इसको भी यहाँ पर साइड में रखते हैं। अब ये लास्ट बारी आती है इस कीबोर्ड की। ओ लुक इट दिस कीबोर्ड, नाइस, वन हैंडली है, आप इस प्रकार से एक हाथ रख के पूरा का पूरा इसका मज़े ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इस कीबोर्ड की शाइनिंग कितना अच्छा है, साइड से कोई भी यहाँ पर गैप दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें साइड से लाइट नहीं जलेगी, जितना कुछ है वो कीबोर्ड के ऊपर ही दिखेगा आपको। इस कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए ये USB दिया है, सो इसमें लगाना पड़ेगा सबसे पहले। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सबको कनेक्ट करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर हमने लेके आ चुके हैं फ़ोन पोको का। और इस कीबोर्ड की ना एक खास बात मुझे अच्छी लगी, जितने आप की मैपिंग करोगे यहाँ पहले से ही उसका चित्र है, जैसे कि गन है, शीट का है, ड्राइविंग है, करेक्टर को मूव करने के लिए यहाँ जॉयस्टिक का भी चित्र दिया है, भागने का, शिफ्ट का। मुझे हद तक अच्छा लगा यार, मतलब इससे थोड़ा सा सरल भी होगा लोगों को समझने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस माउस की क्वालिटी नाइस क्वालिटी है, और इसकी बटन मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो जल्दी से इन सभी को इस कनेक्टर में कनेक्ट करते हैं और इस कनेक्टर को फ़ोन में कनेक्ट करते हैं। ये कीबोर्ड का है, तो ये USB है और ये USB पोर्ट है, तो इसमें लगाते हैं, जैसा चित्र है हम उस टाइप से लगाते हैं, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको लगाना आसान है।
और ये वाला फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए ये वाला यूएसबी है, तो ये वाला यूएसबी को हम इसमें कनेक्ट करते हैं। यदि नॉर्मल वाला केबल है या अलग लाइटनिंग केबल है तो उसमें नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा टाइप सी, इसमें टाइप सी ही है। हमने जितना भी कनेक्टर है, जितना भी कुछ हमको सेटअप करना था वो हमने इसमें अब कर चुके हैं। अब लास्ट स्टेप क्या रहेगा, इसको पावर देने के लिए हमको एक चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने माउस, कीबोर्ड और कनेक्टर में फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए एक चार्जर से यहाँ पर मैंने पावर भी ले लिया है। अब जैसे ही मैं बटन ऑन करूँगा चार्जर का, सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने चार्जर से क्लिक किया, ऑन किया चार्जर को, यहाँ सारा का सारा सिस्टम ऑन हो चुका है। अब मुझे माउस को चलाने के लिए एक चाहिए माउस पैड। यहाँ मैंने सारा कुछ सेटअप कर चुका है, अब यहाँ पर बारी आती है इसकी कनेक्ट करने की। तो कैसा कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, और इसमें हम तगड़ी यहाँ पर गेमिंग करेंगे। की मैपिंग करके आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से की मैपिंग करते हैं और किस प्रकार से इसमें गेम चलता है, गेम वैसे चलता है या नहीं चलता, सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। वीडियो पसंद आती है यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो हम इस QR कोड को स्कैन करके ऐप डाउनलोड करते हैं। ओके, हो गो टू वेबसाइट क्रोम करेंगे हम। फर्स्ट वाला जो है एंड्रॉयड, यहाँ लिखा है पूरा चाइनीज़ में लिखा है, इसलिए हम फर्स्ट में क्लिक करेंगे, ये वाले में क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला ऐप है, 50 MB का है, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। सिक्योरिटी चेक कर रहा है, एग्री करने के लिए बोलेगा, एग्री आपको कर देना है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ब्लूटूथ को ऑन करते हैं। मिक्स प्रो A18 ये वाला डिवाइस है, आप देख सकते हो ये वाला। तो जैसे ही आप इसको ब्लूटूथ ऑन करोगे और ये जो ब्लू लाइट यहाँ पे जलेगी ये वाली, तो गाइस ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैक चल जाइए, ऐड गेम के ऑप्शन में क्लिक करिए, और यहाँ पर ऐड गेम है, मैंने यहाँ पर इसको ऐड गेम कर दिया हूँ। इंटर में जाते हैं और यहाँ पर कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद ये जो ऐप है परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर यूज़ एक्सेस में क्लिक कर देते हैं और ये परमिशन हम इसको दे देते हैं और इसको इंटर करते हैं। अभी हो तो क्यों नहीं रहे, ओके, ये जो हमारा गेम है वो ऑन हो चुका है और इसका लोगो है वो भी आ चुका है। अब जल्दी से इसमें की मैपिंग करते हैं और इसमें गेम प्ले करके आपको बताते हैं। बिल्कुल भी आईडी बैन होने का कोई चांस नहीं है, आईडी सेफ रहेगी, क्योंकि ये जो कीबोर्ड और माउस है इसी का खुद का ऐप है, इसलिए आपकी जो आईडी है वो बैन नहीं होगी। मैंने भी इसमें मेरी आईडी को लॉगिन किया है। तो अब जल्दी से यहाँ पर चलते हैं और इसका हमने पूरा कनेक्शन तो कर लिया है, अब की मैपिंग करते हैं। सेटिंग में चले जाना है, कंट्रोल में चले जाना है और कस्टम HUD में चले जाना है। कस्टम HUD में जाने के बाद कोई सा भी आप प्रीसेट चूज़ कर सकते हो, और ये जो प्रीसेट है इसमें ही हम की मैपिंग करेंगे। तो की मैपिंग करने के लिए इस लोगो में क्लिक करिए, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन चेंज, इसमें क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर जितना भी कुछ है, जितनी भी की मैपिंग आपको करनी है, ये जो बटन है उसमें से करनी है और माउस से। जैसे कि आप देख सकते हो कीबोर्ड और ये माउस है, तो इसमें ही आपको की मैपिंग करनी है। तो की मैपिंग करने के लिए जहाँ आपको जो सी बटन की ज़रूरत है उसमें आप लॉन्ग प्रेस करिए और वो बटन यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। जैसे कि अभी मुझे फायर में करना है, तो फायर में मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर वो बटन आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर माउस का लेफ्ट वाला बटन सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर लेफ्ट वाला बटन सेलेक्ट हो चुका है। सबसे मेन सेटिंग रहती है जॉयस्टिक के लिए, तो मैं की मैपिंग में यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करते हैं WASD। इसमें से कोई भी एक बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ये जो सेकंड वाले ऑप्शन है एड एस WASD वाले ऑप्शन में, मतलब जॉयस्टिक वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हो, तो नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको कंफर्म कर देना है और यहाँ पर प्रीसेट को सेट कर लेना है। और ये जो हो गया, ये बटन भी सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर जितनी भी बटन्स है उसको अपने हिसाब से की मैपिंग कर सकते हो। यहाँ इतनी सारी बटन है, जहाँ भी आप सेट करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि मैं पर जंप में क्लिक करता हूँ और लॉन्ग प्रेस करता हूँ और स्पेस में करता हूँ, तो यहाँ पर जंप वाला स्पेस ये हो चुका है। और अभी मैं करता हूँ स्कोप में, तो स्कोप में यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ। स्कोप में लॉन्ग प्रेस करने के बाद जो माउस का राइट बटन है उसमें क्लिक करते हैं,
सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरी की पूरी की मैपिंग कर ली है, और यहाँ पर मैं जाता हूँ कंट्रोल्स में, कस्टम एचयूडी में मैं जाता हूँ, और यहाँ देख सकते हो जितनी भी मैंने की मैपिंग की है, जितने भी मैंने बटन्स ऐड किए हैं, वो सब की सब यहाँ पर हो चुकी हैं सेट। और यहाँ कर्सर लेके आने के लिए ये जो बीच में बटन दी गई है ना, ये वाला बटन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। ये जो कर्सर आ चुका है, अब यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पर रैंक स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे ट्रेनिंग स्टार्ट, इसको टेस्ट करने के लिए, इसके बाद हम रैंक गेम प्ले स्टार्ट करेंगे। तो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर लिए। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, डीपीआई बढ़ाने के लिए आप एक बार कर्सर में क्लिक करो तो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। उसके बाद ये जो बीच में एक और बटन दी गई है, ये डीपीआई के लिए है, एक बार क्लिक करोगे, यहाँ एक और बार मैंने जैसे क्लिक किया कर्सर ही नहीं दिख रहा, कितना फास्ट काम कर रहा है। एक और बार क्लिक किया, अब ये मैक्सिमम में हो चुका है 32 में। यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग में इसमें प्रैक्टिस करके देखा, सारी बटन और सारी की बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है मेरा। यहाँ पर फ्री फायर बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अब यहाँ पर मैं फुल मैप में लैंड कर दिए हूँ, अब काफ़ी सारे हम बंदे मारने वाले हैं। और यदि आप पूरी लाइट बंद कर दोगे और अंधेरे में खेलोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। कितना ही RGB लग रहा है, माउस तो बारी बारी से कलर भी चेंज कर रहा है, बट जो कीबोर्ड है, यहाँ पर NF दबा रहा हूँ और SN भी दबा रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर आप रात में भी इंटरफेस कुछ इस टाइप का रहेगा, गेमिंग करने में आपको मज़ा आएगा। सो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं अभी CS रैंकेड गेम प्ले कर रहा हूँ, और मेरा माउस कीबोर्ड बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, और इजीली मैं इसमें ड्रैग हेडशॉट भी मार सकता हूँ। अच्छा खासा इसमें ड्रैग हेडशॉट भी लग रहा है, सेंसिटिविटी भी अच्छी खासी है। यदि मैं मैक्सिमम DPI कर दूँ इसमें तो इतना ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपन नॉर्मल DPI मतलब माउस से ही करके खेला हूँ, और काफ़ी हद तक मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया है इस गेमिंग कीबोर्ड माउस में, जो कि RGB है, वन हैंड वाला है, तो बहुत ही अच्छा है ये कीबोर्ड एंड माउस। मैंने इसमें की मैपिंग किया, कनेक्ट करके बताया कैसे फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करना है, ऐप डाउनलोड किए हमने और माउस कीबोर्ड को कनेक्ट किए, गेमिंग किए, और जितना भी ऐप, जितना भी की मैपिंग है सब कुछ करके आपको बताया है। और इस गेमिंग जो माउस कीबोर्ड है और पूरा का पूरा कॉम्बो है, उसमें मैंने गेमिंग करके दिखाया फ्री फायर का, और इसका जो खुद का जो ऐप है वो भी सहायता करता है गेमिंग करने में। तो ये और भी अच्छा है कि आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस ऐप से आपकी ID भी बैन नहीं होगी। मैंने तो मेरी ID को लॉगिन किया है। तो सारा कुछ आपने यहाँ पर देख लिया, 4-in-1 मोबाइल गेम कॉम्बो पैक है ये। तो गाइस, आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कीबोर्ड माउस आपको अच्छा लगा होगा, गेम प्ले आपको पसंद आया होगा। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बजे वाले बेल कॉल पर सेट कर डाला, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल में लेके आता हूँ, अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आता हूँ, गेमिंग रिव्यू और बहुत सारा कुछ न्यू कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ। तो वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर डाला। आज के लिए बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग की सपोर्ट, लव माय फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।